मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह दुखद है। एक और चीते की मृत्यु कुनो नेशनल पार्क में हो गई है। किसकी मृत्यु हुई है और क्या कुछ कारण रहे, कुल चीतों की संख्या कितनी है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई थी, जब 3 शावकों को जन्म दिया था नमीबिया की एक चीता ने। लेकिन अब एक बार फिर से बुरी खबर कुनो नेशनल पार्क से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीते जिसका कि नाम शौर्य है, उसकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए गए चीता शौर्य की मृत्यु हो गई है। चीता मॉनिटरिंग टीम को चीता घायल अवस्था में मिला था, जिसका उपचार किया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुख्य वन संरक्षण लाइन प्रोजेक्ट द्वारा आधिकारिक रूप से इस बारे में सूचना दी गई है। अब तक कुनो में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आए कुल 20 चीतों में से 7 चीतों की मौत अलग अलग कारणों से हो गई है। इतना ही नहीं, मादा चीता ज्वाला के 3 शावकों की भी मृत्यु पहले हो चुकी है। अब कुनो में केवल 13 वयस्क चीते और साथ ही 4 शावक चीते मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीते शौर्य को बड़े बाड़े में रखा गया था। यहाँ शौर्य की चीता मॉनिटरिंग टीम ने सुबह 11 बजे चीते को अचेत अवस्था में पाया। उसके बाद उसे तत्काल ट्रैंकुलाइज कर ऑब्जर्वेशन में लिया गया, CPR दिया गया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश भी आया लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट एक बार फिर बुरी खबर लेकर सामने आया है। चीते की मृत्यु की वजह क्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है। साथ ही जो बचे हुए चीते हैं उनकी सुरक्षा भी, खासतौर पर देखरेख जो है उनकी भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल कुनो से एक और बुरी खबर आई है और एक और चीते की मृत्यु की खबर कुनो से सुनने को मिल रही है। खबर श्योपुर से भेजी सहयोगी खेमराज दुबे ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही एमपी तक के साथ।